डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेरियस इम्पॉर्टेंट चेलेटिंग एजेंट्स एंड द एप्लीकेशन ऑफ देयर चेलेटिंग लीजेंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजन। ठीक है, the treatment of metal poisoning। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट चिलेशन थेरेपी। चिलेशन थेरेपी क्या चीज है, जिसमें हमने देखा था कि हम चिलेटिंग एजेंट्स, डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट यूज करते थे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल पॉइजनिंग। ठीक, तो उसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट्स इनलिस्ट किया था। अब हम डिटेल्स में देखेंगे कि डिफरेंट जो चिलेटिंग एजेंट्स हैं वो कौन सी मेटल के लिए हम यूज कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेटल पॉइजनिंग के लिए। ठीक, उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट बात कहा था कि जो हमारा इंट्रैक्शन बिटवीन चेलेटिंग लिगेंड्स एंड मेटल आयंस, उसको हम पता कर सकता है अकॉर्डिंग टू HSAB। मींस ये हमारा हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी, हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये पता कर सकते हैं कि कौन से मेटल आयन किस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के साथ या कौन सी एलिमेंट के साथ उस चिलेटिंग एजेंट्स में कंबाइन हो सकते हैं। हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस के साथ कंबाइन होने की कोशिश करेंगे। तो सॉफ्ट एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है, हार्ड एसिड का क्या प्रॉपर्टीज है और बेस का क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा रिवाइज करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट्स विच कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल पॉइजनिंग। इसमें से जो हमारा पहला जो लिगेंड हम डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट है और वेरी लेस हार्मफुल चिलेटिंग एजेंट है, जो कि है आपका EDTA, मींस इथिलीन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, जिसमें हमने देखा था कि ये हमारा क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, इसमें हमारे पास 6 ऐसे डोनर ग्रुप होते हैं जो कि अपना इलेक्ट्रॉन्स जो है ड्यूरिंग चिलेशन विद डिफरेंट मेटल आयंस उसके साथ डोनेट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेटल आयंस के लिए। तो जब हम EDTA की बात करते हैं और ये जो लिगेंड है वो मेनली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड, जिसे हम PVC से एब्रिवेट करते हैं, पॉइजनिंग के लिए। ठीक, तो लेड पॉइजनिंग के लिए अगर लेड पॉइजनिंग को ट्रीटमेंट करना है थ्रू चिलेशन थेरेपी, तो हम EDTA को यूज कर सकते हैं, क्योंकि EDTA और लेड के बीच में बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और इस वेल इस EDTA का जो टॉक्सिक लेवल है वो भी बहुत कम है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट देखते हैं EDTA के। तो EDTA का जो डिस्कवरी है, ठीक, डिस्कवरी EDTA का हुआ था इन अराउंड 1930s में, एक आपका ऑस्ट्रियन केमिस्ट ने किया था जिसका नाम था आपका फर्डिनेंड मा।
ठीक है, अराउंड 1930 में इस केमिस्ट ने EDTA का डिस्कवरी किया था, लेकिन जो EDTA का उस वक्त जो डिस्कवरी डिस्कवरी हुआ था वो हुआ था फॉर दी एज ए सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल में से कैल्शियम को सिक्रेट करने के लिए या कैल्शियम को वहां से निकालने के लिए EDTA का डिस्कवरी हुआ था, क्योंकि उस टाइम में जो कैल्शियम की सिक्वेस्ट्रिंग के लिए जो केमिकल यूज होता था वो था हमारा सिट्रिक एसिड, जो कि हाईली एक्सपेंसिव थे। ठीक है, तो ये जो EDTA का डिस्कवरी जो हुआ था वो हुआ था एज ए सब्स्टिट्यूएंट फॉर द सिट्रिक एसिड, जो कि हाईली एक्सपेंसिव था। ठीक है, किसके लिए? फॉर कैल्शियम सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट इन द टेक्सटाइल। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कैल्शियम सीक्वेस्ट्रिंग एजेंट के लिए इसका डिस्कवरी हुआ था एज ए रिप्लेसमेंट फॉर दिस सिट्रिक एसिड, जो कि हाईली एक्सपेंसिव था, क्योंकि पहले जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में सिट्रिक एसिड यूज हुआ करते थे कैल्शियम सिक्वेस्ट्रिंग के लिए, लेकिन ड्यू टू दी हाई एक्सपेंसिवनेस ऑफ दिस सिट्रिक एसिड उनको एक अल्टरनेट लिगेंड चाहिए था, चिलेटिंग लिगेंड कैल्शियम को निकालने के लिए, उसके लिए उन्होंने डिस्कवर किया EDTA के लिए। ठीक है, लेकिन EDTA की जो कॉम्प्लेक्सेशन पावर था या एज ए चिलेटिंग लिगेंड थे वो बहुत बहुत ज्यादा इसका जो चिलेशन पावर था वो ज्यादा थे, तो वो बाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से हट के डिफरेंट जो मेटल आयन्स को रिमूव करने के लिए इसका यूज हुआ, क्योंकि उस वक्त एक तो ज्यादा जो न्यूक्लियर फिजन जो हुआ था वहां से डिफरेंट जो मेटल आयन्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री हो रहा था थ्रू वेरियस मोड्स, जैसे कि वाटर में से या लैंड में से, डिफरेंट वे से जो टॉक्सिक एलिमेंट्स थे वो ह्यूमन बॉडी तक पहुंच रहे थे, तो उनको रिमूव करने के लिए बाद में आहिस्ता आहिस्ता EDTA का यूज होने लगा। और अगर हम मेडिकल रिसर्च की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो एक्चुअली हमें आना कहाँ पे है? मेटल पॉइजनिंग में। तो मेडिकल रिसर्च में ये जो EDTA यूज हुआ था अराउंड 1945 में, किसने किया था? आपका फाइफर शेजन ने, शेजवान ने। इस साइंटिस्ट ने 1945 में EDTA को फर्स्ट टाइम मेडिकल रिसर्च में यूज किया गया था। ठीक, अब मेडिकल रिसर्च में इसके यूज करने के बाद इसका जो इम्पोर्टेंस है और भी बढ़ने लगे। वो क्यों बढ़ने लगे? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था वो था कि ये EDTA था आपका ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक थे। ठीक है, इसका टॉक्सिसिटी पावर जो था वो बहुत लेस थे, तो क्योंकि ऑलरेडी हमने जो चिलेटिंग एजेंट्स का हमने जो करेक्टरिस्टिक्स देखा था उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि आपका जो चिलेटिंग लीगेंड है वो नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। तो जब लोगों ने EDTA को यूज किया और उसकी टॉक्सिसिटी लेवल पता के, तो वहां पे ये उनको पता चला कि ये बहुत ही कम टॉक्सिक है। ठीक, तो अब इस EDTA का यूज कहाँ पे होने लगे? तो सबसे पहले जो EDTA का निकल की कॉम्प्लेक्स था, निकल EDTA, इसका यूज हुआ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के लिए। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इस EDTA को, निकल EDTA कॉम्प्लेक्स को यूज किया गया था, और यहां से ये पता चला कि ये जो EDTA कॉम्प्लेक्स है वो बायोलॉजिकल सिस्टम में अनचेंजेड
रह रहा था, इसके जो EDTA की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आ रहा था, और ये जिस तरह EDTA हमने यूज किया था उसी तरह ये एक्सक्रीट आउट हो रहा था थ्रू यूरिन के साथ। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चिलेटिंग एजेंट्स का, कि वो जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल सिस्टम है, वहां पे इसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है चिलेटिंग एजेंट का, और वो ऐसे ही नॉन टॉक्सिक फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होना चाहिए फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ पे ये पता चला कि जब हम निकल EDTA कॉम्प्लेक्स को ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किए, तो वहां पे ये पता चला कि EDTA तो बिल्कुल अनचेंज्ड रह रहे थे और ये बॉडी से बाहर भी आ रहा था। ठीक, तो यहां से होते हुए बाद में 1952 में EDTA जो है वो इफिशियंटली यूज करने लगे, यूज्ड फॉर लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग के लिए फिर अराउंड 1952 में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के लिए EDTA का इस्तेमाल होने लगे। ठीक, बाद में फर्दर डिस्कवरी करने पे ये पता चला कि आपका जो सोडियम साल्ट ऑफ EDTA है ये डिब्लीट्स कर रहे थे ब्लड कैल्शियम लेवल। ठीक है, तो ये अगर ब्लड में कैल्शियम की लेवल बढ़ जाते हैं तो वो क्या कर रहा था EDTA, वहां पे ब्लड की कैल्शियम लेवल को भी कम कर रहे थे। फर्दर स्टडीज करने पे EDTA का ये वाला करैक्टरिस्टिक्स भी पता चल गया। ठीक, अब यहां पे लोगों ने फिर और भी सॉल्ट्स की प्रिपरेशन करने लगे, तो यहां पे ये पता चला कि जो कैल्शियम सॉल्ट है EDTA की, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA जब कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA की प्रिपरेशन किए, तो वहां पे ये पता चल गया कि इसका जो डोज है वो सबसे मिनिमम डोज पे ये क्या कर रहा था लेड पॉइजनिंग के लिए, या फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के लिए इसका सबसे ज्यादा अच्छा रिजल्ट लोगों को देखने लगे। ठीक है, एक मिनिमम डोज पे EDTA बिकेम यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, तो यहां पे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA के सबसे मिनिमम डोज पे ये बेस्ट रिजल्ट दे रहा था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। और अगर हम यहां पे बात करें स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, तो यहां पे आपका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ EDTA का सबसे लोएस्ट स्टेबिलिटी कांस्टेंट नजर आ रहे थे इन कंपैरिजन टू अदर मेटल। ठीक है, इन द बॉडी। तो यहां से भी फर्दर EDTA की एप्लीकेशन और बढ़ने लगे, क्योंकि इन कंपैरिजन टू अदर मेटल आयंस आपका कैल्शियम EDTA साल्ट का जो कॉम्प्लेक्स के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो सबसे लोवेस्ट पाया गया है। ठीक, तो इसकी वजह से आपका जो यहाँ पे मेटल जो है वो रेडिली एक्सचेंज हो रहे थे दूसरे मेटल आयन के साथ इनसाइड द बॉडी। फिर इसका फायदा क्या हुआ था कि इन वीवो जो है
इट रेडिली एक्सचेंज मेटल। ठीक है, तो अगर हमें किसी दूसरे मेटल आयन की, जैसे कि लेड पॉइजनिंग की अगर हम बात करें, तो अगर आप कैल्शियम ईडीटीए, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए अगर आप यूज करते हैं, तो इन वीवो बॉडी के अंदर ही ये वाला सॉल्ट जो है कैल्शियम सॉल्ट रेडिली एक्सचेंज हो रहे थे लेड के साथ, और इजीली लेड को हम कंप्लेक्स के फॉर्म में ईडीटीए के साथ बाहर बॉडी से निकाल सकते थे। ठीक है, फर्दर स्टडी से ईडीटी के बारे में यह पता चल गया कि अगर हम बहुत ज्यादा डोज में नहीं लेते हैं, तो ये ईडीटी की जो कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम सॉल्ट की कॉम्प्लेक्स है, उसका टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो ऑलमोस्ट नॉन टॉक्सिक ही पाया गया, कि इसका टॉक्सिक इफेक्ट बिल्कुल भी नजर नहीं आए। तो इसकी वजह से जो कैल्शियम सोडियम एडीटीए है, ठीक है, CaNO2-EDTA कॉम्प्लेक्स, ये वाला कॉम्प्लेक्स जब इसका इसके ऊपर स्टडी किया गया, तो इसने बेस्ट रिजल्ट दिया फॉर द रैपिड डिब्लेशन ऑफ लेड फ्रॉम बुलेट। जब लोगों ने कैल्शियम सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए के ऊपर रिसर्च करने लगे, तो यहां से यह पता चल गया कि ये जो सॉल्ट है वो बेस्ट रिजल्ट दे रहा था लेड की जो कंसंट्रेशन है फ्रॉम द बुलेट, उसको एकदम से डेब्लिट कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो कैल्शियम सॉल्ट है, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए यूज होने लगे, एक तो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, उसके साथ साथ आपका दूसरे मेटल पॉइजनिंग के लिए, जैसे कि अगर हम बात करें एक्यूट आयरन पॉइजनिंग, इसके लिए भी यूज होने लगे, एंड देन फाइनली फॉर द रिमूवल ऑफ रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम। तो फर्दर रिसर्च करने के बाद यह पता चला कि ईडीटीए एक तो लेड पॉइजनिंग के लिए यूजफुल हो सकते हैं, या एक्यूट आयरन पॉइजनिंग के लिए भी यूजफुल हैं, और बाद में यह पता चला कि ये जो कैल्शियम ईडीटीए कॉम्प्लेक्स है वो रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को भी बॉडी से निकालने के लिए एप्लीकेबल। ठीक, बिसाइड दिस मेटल पॉइजनिंग, आपका ईडीटीए का एप्लीकेशन या ईडीटीए का यूज बाद में क्रीम्स में होने लगे, ऑर्नमेंट्स में होने लगे, और फर्दर हेयर ड्राइज में भी, जैसे कि हेयर जो डाई कलर्स आते हैं उनमें भी ईडीटीए का यूज होने लगे। तो यहां से यह पता चलता है कि क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी लेवल सबसे कम है, तो ये जो रेडियो ये जो ईडीटीए है वो हम डिफरेंट मेटल पॉइजनिंग के लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल पॉइजनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे जो प्रोमिनेंट रिजल्ट है वो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग के लिए पाया गया है ईडीटीए के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चिलेटिंग एजेंट जो है वो ईडीटीए था। नेक्स्ट जो चिलेटिंग एजेंट है वो हमने कहा था BAL। ठीक, तो BAL है, ये है आपका ब्रिटिश एंटी लेविसाइट। ठीक, देखते हैं इसको ब्रिटिश एंटी लेविसाइट क्यों कहा जाता है। उसके साथ साथ अगर हम इसकी केमिकल नेम की बात करें, आईपैक नेम की बात करें, तो इसका है 2,3 डाई मरकैप्टो 1
प्रोपेनॉल, ठीक है। ये है इसका आयुपीएक नेम। और ये मेनली अगर हम मेटल आयंस की बात करें तो ये आर्सेनिक को रिमूव कर सकते हैं, गोल्ड को रिमूव कर सकते हैं, बिस्मथ को रिमूव कर सकते हैं, निकिल को रिमूव कर सकते हैं, एंटीमनी को रिमूव कर सकते हैं एंड मर्करी को भी रिमूव कर सकते हैं, या मर्करी पॉइजनिंग, या हम आर्सेनिक पॉइजनिंग, गोल्ड पॉइजनिंग, बिस्मथ, निकल, एंटीमनी एंड मर्करी पॉइजनिंग के लिए हम इस चिलेटिंग एजेंट को यूज कर सकते हैं। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, हमने कहा 2-3 डाइमर कैप्टो है, तो मीन्स 2 और 3 पोजिशन पे हमारे पास SH ग्रुप है, और 1 प्रोपेनॉल मीन्स फर्स्ट पोजिशन पे हमारे पास एक OH ग्रुप है, ठीक है। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ BL ब्रिटिश एंटी लेविसाइड, जिसे हम 2-3 डाइमर कैप्टो 1 प्रोपेनॉल भी कहते हैं। EDTA का स्ट्रक्चर हमने नहीं बनाया क्योंकि उसका स्ट्रक्चर वेल नोन है, सबको पता है, तो इसीलिए इसकी जरूरत नहीं। तो ये जो BL है उसका फर्स्ट जो यूज हुआ था वो हुआ था, यूज किया गया था बाय ब्रिटिश आर्मी ने, ठीक है, ब्रिटिश आर्मी ने यूज किया गया था इसको ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड के तहत। किस चीज के लिए यूज किया गया था? ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकंड एक बायो वेपन यूज हुआ था, लेविसाइड गैस, ठीक है, जिसमें आपका आर्सेनिक पाया गया, ठीक। तो जब इस गैस को यूज किया गया जिसमें आर्सेनिक पाया गया, तो इसके ट्रीटमेंट के लिए फॉर द रिमूवल ऑफ दिस आर्सेनिक फ्रॉम द सोल्जर्स बॉडी, इस एजेंट को यूज किया गया या इस चिलेटिंग एजेंट को यूज किया गया था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर्सेनिक पॉइजनिंग, ठीक। तो इसीलिए इसका नाम ब्रिटिश एंटी लेविसाइड भी पाया गया। अब ये फंक्शन कैसे करते हैं? ये जो लिगेंड है वो बाइंड करते हैं इसके साथ, हमारा इंजेन जो है जिसमें SH ग्रुप होते हैं, ठीक। ये जो आर्सेनिक है वो बाइंड हो रहा था एंजाइम में जो SH ग्रुप रहता है उसके साथ, लेकिन जब BL की जब यूज होने लगे तो ये पाया गया कि BL जो है वो इस वाले एंजाइम से भी स्ट्रॉन्गली बाइंड कर रहे थे इस आर्सेनिक के साथ, ठीक है। तो BL बाइंड स्ट्रॉन्गली टू आर्सेनिक। अब BL जो है वो आर्सेनिक के साथ और स्ट्रॉन्गली बाइंड हो रहे थे इस एंड विद कंपैरिजन टू दिस SH ग्रुप ऑफ enzymes present in the biological system, और जब ये strongly arsenic के साथ bind हो रहे थे और ये क्या कर रहा था, remove कर रहे थे इस arsenic को, ठीक है। तो फिर during World War II BL use होने लगे for the treatment of this arsenic poisoning। तो इसके साथ साथ ये दूसरे मेटल आयंस को, जैसे कि हमने बताया मर्करी, एंटीमनी, निकल, बिस्मथ और गोल्ड पॉइजनिंग के लिए भी इसका एप्लीकेशन होने लगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल पॉइजनिंग, ठीक। तो ये था हमारा सेकंड जो इंपॉर्टेंट चिलेटिंग लिगेंड है। थर्ड इंपॉर्टेंट चिलेटिंग लिगेंड हमारे पास है पेनिसिलामाइन। इस ड्रग का जो मेन एप्लीकेशन है वो है, या मेटल आयन रिमूव करने के लिए, वो है कॉपर, लेड, मर्करी एंड जिंक। बी प्लस पेनिसिलामाइन जो है वो
यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग एंड जिंक पॉइजनिंग. मेनली ये यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विल्सन डिजीज, जिसमें क्या होता है आपकी कॉपर की कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाते हैं. तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है. तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ बी पेनिसिला मैन. तो ये मेनली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजन. फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट है वो है हमारे पास ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. स्ट्रक्चर देखेंगे इसकी, इस ड्रग की स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है. ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन्स इसमें तीन कार्बोक्सिलिक एसिड है. ये है स्ट्रक्चर ऑफ ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड. ये जो ड्रग है वो इफेक्टिव है इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेरिलियम पॉइजनिंग. ठीक है, तो ऑरिन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बेरिलियम पॉइजनिंग. नेक्स्ट हमारे पास ड्रग्स जो है वो है डायूरेटिक्स. ये डायूरेटिक्स क्या चीज है? ये वो ड्रग्स है, दिस आर दोस ड्रग्स. डायूरेटिक होता क्या है? दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ये वो ड्रग्स है जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को क्या करता है, प्रमोट करते हैं. एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है डाइकार्बोल एसिटाजोल एमाइड. तो ये वाला बेस्ट एग्जाम्पल है ड्रग्स की जो कि डायूरेटिक है. ठीक, स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, CH3C डबल बॉन्ड O NH NH2. तो ये स्ट्रक्चर है आपके डायूरेटिक ड्रग्स डाइकार्बोल एसिटाजोल एमाइड की. ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? ये जो डायूरेटिक ड्रग्स है, हमने कहा कि दीज आर दोज ड्रग्स दैट प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, जो कि यूरिन की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं. तो ये कैसे काम करते हैं? तो ये जो ड्रग्स है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, इट कोऑर्डिनेट्स विद जिंक एटम इन जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स. तो जिस एंजाइम में जिंक होते हैं ये ड्रग जाके जिंक के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं. अगर हम यहां पे एंजाइम ले तो ये हमारे पास है कार्बोनिक
एनहाइड्रेस की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास मेटल क्या रहता है, जिंक रहता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स जब यहाँ पे जिंक के साथ कोऑर्डिनेट रहते हैं तो ये क्या करते हैं, ये इस वाले कार्बोनिक एनहाइड्रेस की फंक्शंस को क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, देन इनहिबिट्स द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम। जैसे हमारे पास क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। वंस दिस ड्रग गेट कोऑर्डिनेटेड विद द जिंक एटम ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स, इट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस एंजाइम। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है वो कैटालाइज करते हैं फॉर द हाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारे पास बाइकार्बोनेट बनता है। ये वाला रिएक्शन है जो कि आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम कैटालाइज करते हैं इस एंजाइम। ठीक, ये वाला एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। अब जब ये वाला रिएक्शन क्या होगा, स्टॉप होंगे। ठीक, वंस ये रिएक्शन स्टॉप होंगे तो यहां पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन नहीं होगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की हाइड्रेशन नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, लेट्स करेंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ठीक है, तो ये यूरिन की फॉर्मेशन को प्रमोट करेंगे और फिर मेटल्स जो एक्स्ट्रा मेटल है वो यूरिन में आ जाएंगे और यूरिन से फिर एक्सक्रीट आउट होंगे ह्यूमन बॉडी के बाहर। तो ये फंक्शन है डायूरेटिक्स ड्रग्स की। ठीक, नेक्स्ट जो ड्रग है हमारे पास वो है डाइसल्फ्रेन। डाइसल्फ्रेन ड्रग्स है, अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास है टेट्रा इथाइल थ्यूरेन डाइसल्फाइड। ये है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ डाइसल्फ्रेन ड्रग्स। स्ट्रक्चर अगर हम बना ले तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है इस वाले ड्रग का, CH3। तो ये स्ट्रक्चर है आपका टेट्रा इथाइल थ्योरम डाइसल्फेट। तो ये है हमारे पास एग्जांपल ऑफ डाइसल्फेट ड्रग्स। अब इस ड्रग का काम क्या है, ये जो ड्रग है वो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक एल्कोहलिज्म। एल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट में अगर किसी को एडिक्ट है एल्कोहल की, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए ये वाला ड्रग यूज होते हैं। अब ये ड्रग काम कैसे करते हैं, ये ड्रग जो है वो इनहिबिट करता है फंक्शंस ऑफ मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स का। अब मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम्स जो कि हमारे पास है एल्डिहाइड ऑक्सीडेस, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज एंजाइम्स में हमारे पास मोलिब्डेनम है। काम क्या करते हैं, ये काम करते हैं इथेनॉल की ऑक्सीडेशन टू एल्डिहाइड। ठीक, मेटाबॉलिज्म ऑफ इथेनॉल का काम करते हैं आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडेस। अब ये क्या करते हैं, ये इनहिबिट होने की वजह से अब आपका एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड तक ही होते हैं। ठीक, फर्दर या एसिटाल्डिहाइड तक होते हैं, तो फर्दर ये इस रिएक्शन को होने नहीं देते हैं। जब आपका रिएक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे सिर्फ आपका एसिटाल्डिहाइड बनेंगे। एसिटाल्डिहाइड बनने से यहाँ पे फिर बॉडी में क्या आ जाता है, अनप्लेजेंट सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, या अनप्लेजेंट सिम्टम्स आने से फर्दर फिर वो इंसान वापस एल्कोहल में इंडल्जेंस
नहीं होते हैं। ठीक, तो ये ड्रग क्या कर रहे हैं, ये आपकी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज की फंक्शन को इनहिबिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एल्कोहल मेटाबॉलिज्म पूरा नहीं हो पाते हैं और ये एल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड तक कन्वर्ट करते हैं। फिर जैसे बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता एसिटाल्डिहाइड की कंसंट्रेशन बढ़ने लगते हैं, तो वहां पे अनप्लेजेंट सिम्टम्स अराइज होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो इंसान फिर वापस एल्कोहलिज्म की तरफ नहीं जाता। तो इस ड्रग का फंक्शन है टू इनहिबिट द फंक्शन ऑफ एल्डिहाइड ऑक्सीडेज। ठीक, नेक्स्ट जो ड्रग है या जो चिलेटिंग एजेंट है वो है हमारे पास टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स एनालॉग, टेट्रासाइक्लिन एंड इट्स एनालॉग्स। तो टेट्रासाइक्लिन की जब हम बात करते हैं तो टेट्रासाइक्लिन और इनके एनालॉग्स में हमारे पास नंबर ऑफ साइट्स होते हैं, टू फॉर्म मेटल चिलेट्स। ठीक है, तो टेट्रासाइक्लिन में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि चिलेट्स बना सकता है मेटल आयन के साथ। तो यहां ये टेट्रासाइक्लिन भी मेटल पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं और ये मेटल चिलेट्स जो है वो फेयरली स्टेबल भी होते हैं। तो यहां पे बेस्ट जो मेटल आयन है जो इस टेट्रासाइक्लिन के स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं वो रहता है हमारे पास मैग्नीशियम इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हम टेट्रासाइक्लिन और मैग्नीशियम की कॉम्प्लेक्स को हम यूज कर सकते हैं इस मोस्ट इफेक्टिव इन स्टेबलाइजिंग द स्ट्रक्चर। तो हम टेट्रासाइक्लिन और इसके डेरिवेटिव्स को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल पॉइजन। ठीक है, तो ये हमारे पास और एक फॉर्म ऑफ ड्रग्स है या चिलेटिंग एजेंट है जो कि हम यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेटल पॉइजनिंग। नेक्स्ट है हमारे पास प्लेटिनम। ठीक, अगर हम प्लेटिनम की जब हम बात करते हैं तो कीमोथेरेपी का जो जब बेस्ट यूज है वो यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, द मेन एप्लीकेशन ऑफ कीमोथेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन हमारे पास है वो है कीमोथेरेपी। अब जब हम प्लेटिनम की बात करते हैं तो प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स जिसे हम सिस प्लेटिन कहते हैं, तो सबसे पहले जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जो कॉम्प्लेक्स यूज हुआ था वो है हमारे पास सिस प्लेटिन। सिस प्लेटिन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो प्लेटिनम के साथ दो हमारे पास एमीन ग्रुप है, अमोनिया है, और दो क्लोराइड है। ठीक, तो ये है हमारे पास सिस प्लेटिन जिसे हम डाई एमाइनो डाई क्लोरो प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे बनाए NH3PtCl NH3 Cl, ये इसका ट्रांस फॉर्म है और ये इसका सिस फॉर्म है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रांस फॉर्म की बात करते हैं तो ये इनएक्टिव रहते हैं, सिर्फ हमारे पास सिस फॉर्म ही एक्टिव है जो कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज होते हैं। और मेनली ये जो
सिस्प्लेटिन यूज होते हैं वो है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। तो सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन है इस सिस्प्लेटिन का वो ट्रीटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर के लिए यूज हुआ है। और इसका फर्स्ट जो क्लिनिकल ट्रायल हुआ था वो अराउंड 1972 में हुआ था फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। ऑल्दो इसकी जो पोटेंशियल है वो यूज या इसका रिजल्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स के लिए यूज हुआ है या इसका बेस्ट रिजल्ट आया है, लेकिन सबसे मेजर जो एप्लीकेशन है वो यूज हुआ है टेस्टिकुलर कैंसर के लिए। और ये लगभग अराउंड 1978 में अप्रूव किया गया था इन यूएस में एज ए एंटी कैंसर ड्रग। एज एन एंटी कैंसर ड्रग सिस्प्लेटिन इन 1978 में यूज अप्रूव हुआ था। और इसके बाद सबसे ज्यादा जो एंटी कैंसर ड्रग के टर्न हुआ है वो इसी ड्रग पे आया था। लेकिन जब अभी हम बात करें तो ये इंडिया में अभी बैन ड्रग है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। मेनली एक आपका इसका साइड इफेक्ट जो है वो नर्वस सिस्टम पे है, दूसरा ये आपका नेफ्रोलॉजी सिस्टम पे, ठीक, एक आपका ब्रेन पे इसका सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है और दूसरा इसका किडनीज पे सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट रहता है, ठीक। लेकिन अगर अर्ली स्टेज में टेस्टिकुलर कैंसर पे इस ड्रग का इस्तेमाल होते हैं तो लगभग अभी इसका 100% क्योर रेट तक इसका आ चुका है। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में आपको ये पता चलते हैं कि कैंसर जो है वो टेस्टिकुलर कैंसर, ठीक है, तो ये हमारे पास और एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि हम कीमोथेरेपी में यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लिथियम। इस लिथियम की जब हम बात करते हैं तो मेनली ये यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट्स, जहां पे डिप्रेशन में जो पेशेंट रहता है वहां पे ये यूज होते हैं लिथियम की एप्लीकेशन या ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव मैनिक डिप्रेसिव पेशेंट के लिए, लेकिन इसका उतना ज्यादा यूज नहीं होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारे पास है गोल्ड का। गोल्ड की जब हम बात करते हैं तो ये जो गोल्ड कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो मेनली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड्स आर्थराइटिस। तो गोल्ड कॉम्प्लेक्स की मेनली यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो आर्थराइटिस रिलेटेड जो डिजीज है उनका ट्रीटमेंट हम गोल्ड कॉम्प्लेक्स के साथ कर सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है डाइसोडियम गोल्ड थायोमेलेट, जिसे हम मायोक्राइसिन बी कहते हैं। ये वाला ड्रग मेनली यूज होते हैं रूमेटॉइड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है, यहां पे गोल्ड जुड़ा रहता है, ठीक।
तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाई सोडियम गोल्ड थायोमाइलेट, जिसे हम मायोक्राइसिन भी कहते हैं, जो कि यूज होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चिलेटिंग एजेंट्स जो कि हम मेनली चिलेशन थेरेपी में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट मेटल पॉइजनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था अबाउट डिफरेंट चिलेटिंग एजेंट्स।